दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक मैजिक किट की। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा था, तो चलिए इसको खोल लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पहले से ही ओपन किया क्योंकि ये दफ्ती को काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये देख सकते हो, ये है वो मैजिक किट। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका बिल, जो कि डब्बे ही में था, नीचे गिर गया था। तो मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। ये करीब करीब मुझे 270 रुपये का ये मुझे पड़ा हुआ है। 230 रुपये इसकी कॉस्ट है और 270 रुपये का ये 40 रुपये डिलीवरी के बाद ये पड़ा है मुझे। 2015 में ख़रीदा था, 26 सितंबर 2015 में, जब सी जी एम का दम रखा हुआ था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये बॉक्स देखने को मिलेगा। इसको हम करते हैं अनबॉक्स। यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक पन्नी है जिसमें आपको एक मैजिक की डंडी मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरीके का कुछ ये मिलता है, इसका भी कुछ ना कुछ होगा यूज। तो और इसके अलावा आपको ये मिलता है, ये सिंपल है, यहाँ पर आप कॉइन फंसा सकते हो, फिर आपको कुछ इस तरीके से इसको घुमाना होता है। देखिए ये दिख रहा है अभी, जब आप घुमाएंगे तो इसको ऐसा पलटा लेंगे तो यही दिखेगा, फिर जब आप इसको पलटाएंगे तो फिर से ऐसे जल्दी करते हैं तो ये पता नहीं चलता, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको कुछ कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ कार्ड्स वगैरह हैं। तो ये डबल साइड हैं, तो जैसे इस वाला कार्ड का तो एक मैजिक पता भी है, जहाँ तक नहीं इस वाले का नहीं है, ये इस वाले का। जैसे ये आप यहाँ पर रख रहोगे उंगली तो ऐसा लगेगा ये 3 है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसा पलटाना है तो आपको लगेगा ये 6 है, उसके बाद कुछ इस तरीके से पलटाओगे तो आपको लगेगा ये 4 है, फिर कुछ इस तरीके से पलटाओगे तो आपको लगेगा ये 1 है। तो कुछ इस तरीके से इसको करते हैं। और ये वाला सिंपल सी चीज़ है, आपको जैसे एक के ऊपर एक ऐसा रखेंगे इतना तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन जब आप इसको ऐसा रखेंगे तो आपको वही इल्यूजन इसमें होता है। और दोस्तों ये कार्ड है, तो इसमें तो सिंपल है, यहाँ से कुछ काटना पड़ता है, फिर उसके बाद ये मैंने देखा नहीं अभी तक, इसको रखते हैं साइड में। ये कप हैं कुछ, और इसमें 4 गेंदें भी मिलती हैं आपको, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं इनको। ये एक रस्सी है छोटी सी, इसका भी कुछ ना कुछ मैजिक होता होगा। ये वाला तो मस्त लगता है यार, ये कुछ आपको कार्ड भी देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग मैजिक है इसका। और ये आसानी से कोई पकड़ भी नहीं सकता है, जब तक इनफैक्ट आसानी से तो क्या, जब तक उसको पता ही नहीं रहेगा ना, जब तक वो पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन यदि थोड़ा सा वो एनालिसिस करेगा तो पकड़ लेगा। यहाँ पर आपको 3 डाइस देखने को मिल जाते हैं, ये देखिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको 4 जो है छोटी छोटी बॉल्स देखने को मिलती हैं, ये देखिए। और यहाँ पर आपको ये बुक देखने को मिलती है जिसमें मैजिक के बारे में दिया हुआ है, मतलब इसी को आपको पढ़ के मैजिक करना है। इसमें 65 मैजिक ट्रिक्स का ये जो है दावा करते हैं, और इंग्लिश में है ये बुक, ये आप देख सकते हो। तो ये जो है बुक इंग्लिश में दी हुई है, और आपको कुछ भी नहीं मिलता है बॉक्स में, यहाँ पर वही मैजिक वगैरह लिखा हुआ है। तो चलिए इनको मैं रखता हूँ साइड में। और यहाँ पर भी आप देखेंगे यदि बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम लिखा हुआ है 65 मैजिक ट्रिक्स। यहाँ पर ये मतलब कहते हैं कि इसमें 65 आपको मैजिक ट्रिक देखने को मिलती हैं, हालांकि उतनी मिलती नहीं है, लेकिन आप जैसे थोड़ी थोड़ी कर करके प्रैक्टिस कर करके जैसे 30-40 तो कर ही लोगे इसकी मदद से। तो चलिए मैं आपको एक दो ट्रिक यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये गेंद वाला मैजिक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर 3 गेंद हैं, आपको ये 3 गेंद यहाँ पर रखनी है, ये देखा आपने। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको एक एक करके इनके ऊपर ये रख देना है, यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर ये रखा, यहाँ पर ये एक और गिलास यहाँ पर रख देनी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ये गेंद ली, इसके ऊपर रखी, ये गिलास इसके ऊपर, ये गिलास इसके ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर 2 गेंदें आ चुकी हैं। अब मुझे ये व्यू हाइड करना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर से आप जान ही जाओगे ये कैसा किया है मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने ये गेंद ली, उसके बाद ये आप देख सकते हो, उसके बाद ये मैंने रखी, उसके बाद मैंने ये गेंद ली, इसको ऊपर रखी, यहाँ पर इसको किया, यहाँ पर इसको किया, और यहाँ पर आप देखोगे मैजिक 3 गेंद यहाँ पर आ चुकी हैं मैजिक से। तो
तो ये मैजिक मैजिक कुछ नहीं है, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो, आपको कोई भी एक गिलास में क्या करना है, एक गेंद डालनी है और बाकी की तीन गेंदें किसी भी गिलास में डाल देनी है। अब ये एक गेंद वाली आप चाहो सबसे ऊपर रख लो, बीच में रख लो, कहीं भी रख लो, जिस वाली को कहीं भी रख सकते हो, लेकिन ये तीन वाली आपको यहाँ पर रखना है। तो आप सामने वाले दर्शक को बताइए कि आपके पास देखिए यहाँ पर तीन गेंद हैं, एक दो तीन। आपको क्या करना है, आप सिंपली उसको ऐसा दिखना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो सामने रहेगा, आपको क्या करना है ऐसा धीरे से इसके ऊपर रखना है। ये वाली में एक देख सकते हो, एक गेंद और है यहाँ पर, एक गेंद है, तो आपको सिंपली यहाँ पर इसको रख देना है और यहाँ पर रख देना है इसको। देन उसको बताइए, आप यहाँ पर देखिए दो गेंदें हैं, मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ, इसको इसके ऊपर रखिए, देन इसको इसके ऊपर रख दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर दो गेंदें आ चुकी हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर ये खाली गेंद है, यहाँ पर इसको रखिए, यहाँ पर आप देख पाओगे एक गेंद ऑलरेडी है, ये गेंद है, तो आपको इसके ऊपर रख देना है, और ये है, इसको इसके ऊपर रख देना है। अब इसको हटाइए, इसको इसके ऊपर रखिए, इसको इसके ऊपर रखिए, इसको उसके ऊपर रखिए, और देखिए यहाँ पर तीन गेंदें हैं, एक गेंद इसी के अंदर है। तो ये पहली ट्रिक थी। चलिए मैं आपको अब दूसरी ट्रिक दिखाता हूँ। अब देखो ये वाला ट्रिक जो है, ये काफ़ी मस्त ट्रिक है, इसको कोई भी आसानी से नहीं पकड़ सकता। यहाँ पर आपको सात कार्ड देखने को मिलते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपको सामने वाले को कहना है, अपने मित्र को कहना है कि भाई कोई भी एक से साठ तक के बीच में कोई भी एक नंबर आप मन में अपने सोच लो। तो वो एक से साठ तक के बीच में कोई भी एक नंबर सोच लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर, उसने सोचा मान लीजिए दस, तो आप सिंपल सी बात है उससे आप पूछिए कि इस कार्ड में दस कौन से कार्ड में है। यदि देखिए जैसे उसने कहा कि इसमें नहीं है, इसको आप साइड में रख दीजिए। उसने कहा कि इसमें देखिए पहले कि दस है कि नहीं है, तो यहाँ पर इसमें दस है, इसको आप साइड में रख दीजिए। इसमें दस है कि नहीं है, नहीं है तो इसको साइड में रख दीजिए। इसमें दस है कि नहीं है, आप देख सकते हो इसमें दस नहीं है, तो इसको साइड में रख दीजिए। इसमें दस है कि नहीं है, तो वो कहेगा कि नहीं है, तो इसको आप साइड में रख दीजिए। इसमें दस है कि नहीं है, तो इसमें दस है, यहाँ पर ये रहा, तो इसको आप एक साइड रख दीजिए। अब आप उसको बताएंगे कि आप उसने कौन सा अंक सोचा था, तो आप कैसे बताओगे कि उसने दस सोचा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देखो इस कार्ड का पहला अक्षर दो है और यहाँ पर पहला अक्षर आठ है, तो आठ और दो दस, तो उसने सोचा होगा दस। सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पर ये पहले अक्षर को जोड़ना पड़ता है और वो जो भी अक्षर सोचता है वो अपने आप ही पता चल जाता है। मतलब ये वाकई में एक मतलब कमाल की ट्रिक है, काफ़ी रीजनिंग वगैरह लगानी पड़ी होगी इसको बनाने के लिए, क्योंकि भाई इतने सारे अंकों में ऐसा जमा पाना वाकई में एक काफ़ी टफ काम होता है। चलिए मैं आपको अगली ट्रिक दिखाता हूँ। यहाँ पर सोचेंगे कि ये छड़ी का क्या यूज है, तो ये कुछ नहीं है, खोखला पाइप है। तो इसका सिंपल सा बात है यार, जैसे आप ये ट्रिक कर रहे हो, इसमें इसमें और इसमें, फिर इसको इसको उठाया, इसमें इसमें, तो सिंपल सी बात है, आप कुछ ऐसा इसमें कर सकते हो मैजिक की तरह, तो इसमें दो हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से इसका आप यूज कर सकते हो। और इसके अलावा और भी ट्रिक हैं, जैसे आप इसको धागा कस के और मैजिक लेमिटेशन वगैरह, तो वो सब तो बचकानी ट्रिक्स हैं। तो चलिए मैं आपको और आगे बताता हूँ। ये अगली ट्रिक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको पांच कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए मैं मैजिक करूँगा, अभी ये देख सकते हो एक दो तीन चार पाँच, तो सिंपल सी बात है, अभी देख सकते हो आप यहाँ पर पाँच कार्ड नहीं है, सिर्फ दो ही कार्ड हैं, ये आप देख सकते हो। अब मैं आपको देखिए इनको पांच कार्ड बना के दिखाता हूँ, आपको सिंपली ऐसा करना है, इसको पलटना है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये पांच कार्ड हो गए। तो कुछ नहीं है, ये दो ही कार्ड हैं, इसमें ये प्रिंट हैं एक दो तीन चार, ये आसानी समझ में आ जाते हैं, लिख दे जाता है वो प्रिंट है। और यहाँ पर देख सकते हो ये एक पत्ता है, और यहाँ पर ये पीछे साइड में कुछ इस तरीके से प्रिंट है। यहाँ पर हार्ट है सिक्स का, और यहाँ पर डायमंड है सेवन का। तो देखिए आपको क्या करना रहता है, आठ को ऊपर रखना है, और इस तरीके से आप दिखाएंगे सामने वाले को, तो उसको लगेगा पांच कार्ड, क्योंकि ये दूर से दिखाएंगे तो हो सकता है इल्यूजन एक पैदा हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको स्लाइड करना है, देन इसको पलटना है, और देन आप बता सकते हो कि देखिए यहाँ पर तो सिर्फ दो ही कार्ड हैं। आपको अगेन ये फिर से पांच कार्ड बदलने हैं, तो आपको ये सत्य को नीचे करना है, छक्के को ऊपर रखना है, और फिर से पलट देना है, देन आप सिंपली इतना बस कीजिए, पूरा नहीं करना है, इतना बस करना है, और देन आप इल्यूजन क्रिएट कर पाएंगे। ये अगली ट्रिक है, इसमें आप देख सकते हो मेरे पास दो कार्ड हैं, यहाँ पर एक लाल का देला है और यहाँ पर ये चिड़ी का इक्का है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो ये मेरे पास दो कार्ड हैं। अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि आपको दिखाऊँगा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो मेरे पास ये लाल का देहला तो है ही, तो ये मैं लाल का देहला लेता हूँ और इसको नीचे रख देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ले जा रहा हूँ नीचे, और मैं यहाँ पर लाल के देहले को नीचे ले जा चुका हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा चिड़ी का इक्का। तो अभी देखिए मैं मैजिक करता हूँ और ये कार्ड जो है वो बदल जाएगा, ठीक है।
अभी देखिए मैं यहाँ पर वही छड़ी वगैरह से कुछ भी ऐसा करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाल का दहला है। तो कुछ नहीं है, ऐसा ये डबल प्रिंट है। आपको किस तरीके से रखना है तो आपको कुछ इस तरीके से इसको रखना है। पहले आपको दिखा देना है कि एक लाल का दहला, एक चिड़ी का इक्का है। देन उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से पलट लेना है। उसके बाद आपको दिखाना है कि ये आप लाल का दहला है और इसको आप नीचे ले जा रहे हो, ये चिड़ी का इक्का है, जबकि ये भी लाल का ही है, इसी के पीछे ही चिड़ी का इक्का है। तो कुछ इस तरीके से ये छोटा सा मैजिक काम करता है। इसमें ये एक चीज़ और है किट में ये, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है इसके बारे में। ये लिखा तो हुआ है द बंडर वॉलेट, लेकिन यार पता नहीं इसको कैसे यूज करना है। इसमें कुछ 2, 3, 5 तो लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है कुछ इस तरीके का। फिर उसके बाद ये पता नहीं कैसे काट कूट के मोड़ने को बोल रहा है। तो इसको मैंने यहाँ से ये काट लिया है, और इसको काटने के बाद आपको इसको क्या कैसे यूज करना है देखिए मैं बताता हूँ आपको। आपको ये इस तरीके से इसको यहाँ फोल्ड करना है, देन इसको कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, और एक मिनट ये उल्टा है, यहाँ से आपको देखिए इसको ऐसा फोल्ड करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना अप्लाई ग्लू हियर, यहाँ पर लगाना और यहाँ पर लगाना, और इसको यहाँ पर चिपका देना है कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ पर चिपक जाएगा कुछ ऐसा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसको जो है चिपका देना है इस वाले को इस तरीके से। तो चलिए इसको हम चिपका देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे टेप वगैरह चिपका करके बना लिया है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। मैंने ग्लू चिपकाया था लेकिन ये सूखने में टाइम लगेगा, तो मैंने इसको टेप लगा दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक कार्ड लेना है। यहाँ पर देखिए ये कार्ड है। अब आपको यूज कैसे करना है, आपको जो है ना इसको इस तरीके से रखना है यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर कार्ड रख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको इसमें क्लोज कर देना है, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके से इसको घुमाना है कि सामने वाले को पता ना चले, और फिर इस तरीके से इसको इस साइड से यहाँ पर खोलना है। तो इसको खोलना इस तरीके से है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड गायब हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ मैजिक कार्ड वापस लाना है। इसको अगेन ऐसा कीजिए, फिर से घुमाइए, और हमेशा इसको राइट साइड में खोलिएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये, तो ये देख सकते हो ये कार्ड आ गया। तो काफ़ी बढ़िया मैजिक है, ये भी इजी मैजिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको ये पेपर को ना काट पीट के कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, ताकि ये आसानी से खुले और आसानी से बंद हो सके। मैं अगेन आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कार्ड है, इसको यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से करके आपको यहाँ पर ये देखिए कार्ड गायब हुआ है, जबकि कार्ड कहीं नहीं है, कार्ड इसी के अंदर यहाँ पर फंसा हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया मैजिक है ये भी, तो ट्राई कर सकते हो। चलिए अब अगले मैजिक पर चलते हैं। और इसमें जो 65 मैजिक ट्रिक्स बताई हुई है ना, ये एक्चुअली एक ही को रिपीट कर दिया गया है। जैसे इसमें एक तो ये हो गया कि आप ये बंडर वॉलेट बनाओ, यहाँ पर देखो कार्ड वैनिश कर सकते हो, यहाँ पर आप चेक रखो, यहाँ पर मनी रखो, फिर पलट दो तो चेक मनी में बदल जाएगा। फिर ये 500 रुपये का यहाँ चेंजिंग वैनिशिंग कार्ड, मतलब ये कार्ड को गायब कर सकते हो। यहाँ पर आप लाल का 70 रख दो, यहाँ पर चिड़ी का 70 रख दो, 70 को आपस में बदल सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर ये रिपीटेटिव ट्रिक्स हैं, तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। तो चलिए खैर मैं आपको अगली ट्रिक बताता हूँ। और अगला ट्रिक में दोस्तों ये आपको कुछ इस तरीके का ये देखने को मिलता है। इसी में ये कैप जैसा कुछ है, मैंने इसके बारे में देखा पढ़ा थोड़ा सा। तो इसको क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से इसको ऐसा मोड़ना है, उसके बाद इसको अंदर साइड मोड़ना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको ग्लू चिपका देना है। तो यहाँ पर आपको ग्लू लगा के इसको चिपका देना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको चिपका करके तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको देखिए ये यूज करने के लिए तैयार है। अब सिंपल सी बात है, आपको कोई एक कार्ड वगैरह ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पर मैजिक करने के लिए एक छोटा सा कार्ड यहाँ पर ले लेता हूँ, और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, कार्ड को ना सिंपली इस पॉकेट में रखना है। ये पॉकेट जैसा बन चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैक हो गया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस कार्ड को यहाँ पर रख देना है, ठीक है। ये किसी को दिखेगा नहीं, ये देख सकते हो ये आप कार्ड को यहाँ पर। दोस्तों लोगों को बता देना है कि ये देखिए ये पेपर है, ठीक है। आपको सामने से नहीं बताना है, कुछ इस तरीके से बताना है कि उनको पता ना चले। आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से मुड़ना है, ठीक है। और आप देख सकते हो उनको बताना, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, शक्कर रख सकते हो, चीनी वगैरह, नमक वगैरह कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको मतलब करना हो, दिखाना हो, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको लेना है, ठीक है। आपको इसको प्रेस करके रखना है,
और जब आप मैजिक करने लगो तो सिंपल सी बात, थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके, अब मैं उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन आपको कुछ इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये कार्ड निकल चुका है, कुछ इस तरीके से इसका मैजिक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना आप तो आप पे बन जाएगा, ये ऐसा करना है। उसके बाद ये पहले तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ऐसा, और उसके बाद ऐसा रहेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा यहाँ से खुलना रहना चाहिए, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। फिर उसके ऐसा दबा रहेगा पहले तो, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ऐसा रिलीज कर देना तो ये निकल जाएगा। और फिर बुक में इसी के लिए अलग अलग ट्रिक्स वगैरह दी हुई हैं, जैसे शुगर के लिए आप कर सकते हो कॉनिकल कप है, तो इसी के लिए फिर ट्रिक दे दी गई हैं, तो आप शुगर नमक कुछ भी यहाँ पर निकाल सकते हो इससे। अगला ट्रिक काफ़ी ईजी है, ये तो इल्यूजन वाला है, आप इसको देखोगे यहाँ पर तो ये आपको बड़ा दिखेगा, फिर इसको यहाँ पर रख दोगे तो ये बड़ा दिखने लगेगा। हालांकि हैं दोनों सेम ही साइज़ के, बस ये थोड़ा सा आँखों का धोखा हो जाता है इसको देखने में, तो ये तो सेम इल्यूजन बस है। तो अगला ट्रिक दोस्तों इसका ही है, ये सिंपल सा इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो मनी नहीं है, मैं आपको पलटा के भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी मनी नहीं है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर मनी नहीं है, अब देखिए यहाँ पर मनी नहीं है, अब देख सकते हो यहाँ पर मनी है। अब इसको दिखाना है तो देखिए इस तरीके से ये मनी है, ये देख सकते हो मनी 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 गायब, मनी आया, ठीक है, मनी है, मनी है, मनी है, मनी है, मनी गायब, मनी है, मनी गायब, मनी गायब, मनी गायब, मनी गायब, मनी गायब, मनी है, ये इस तरीके से रहता है। इसमें सिक्का चिपकाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से इसमें फंस जाता है। अभी मुझको इसको निकालना पड़ेगा तो पता नहीं कैसे निकलेगा सिक्का। तो ये भी एक बढ़िया ट्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हो, मुझे लगता है ये सिक्का फंस चुका है। अगली ट्रिक सिंपल सी है, आपको एक रस्सी लेना है जो कि इसी किट में थी, ये वन हैंडेड नोट की ट्रिक है, मतलब आप एक हाथ से रस्सी कैसे बांध सकते हो, तो देखो आपको इस तरीके से इस रस्सी को पकड़ लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो ये पकड़ लिया, उसके बाद ये छिंगरी में आपको इस रस्सी को, पीछे वाली रस्सी को इसमें फंसा लेना है, ये पीछे वाली रस्सी को मैंने फंसा लिया, ठीक है। अब आपको इन दो उंगलियों की मदद से ये जो पीछे वाली रस्सी, इसको सामने ही रखना है आपको, और ये जो इन दोनों उंगलियों की मदद से आपको क्या करना है, आपको ये जो बड़ी वाली रस्सी है ना, ये बड़ी वाली रस्सी, इसको पकड़ना है कुछ इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको आपको छोड़ देना है, एंड आप देख सकते हो, अब मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन देख सकते हो इस तरीके से आपको करना है। इसमें और ये ट्रिक्स हैं, रस्सी बांधने की ट्रिक्स हैं, तो मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं बेहतरीन तरीके से कर भी नहीं पाऊँगा, ये आप देख सकते हो, ये कुछ ट्रिक्स दी हुई हैं इसी बुक में, यहाँ पर भी ये ट्रिक्स हैं, यहाँ पर ये मूविंग मैच बॉक्स की ट्रिक है, तो इसके लिए आपको मैच बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें नहीं था मैच बॉक्स वगैरह, 1 रुपये का आपको खरीदना, बर्निंग मनी ट्रिक है, स्नैप वेंट द मैच, ये कुछ ट्रिक्स दी हुई हैं यहाँ पर, ये बढ़िया ट्रिक है। आपको क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति से कहना है कोई भी एक 3 नंबर की डिजिट सोचो, फिर उस डिजिट को सोचने के बाद उसी नंबर को पलट कर, मतलब जैसे उसने सोचा 371 को उल्टा लिख दो इस तरफ़ से, 173, इसमें से इसको घटा दो, फिर जो भी नंबर आया उसको फिर पलट के और फिर से उसी में जोड़ दो, जैसे यहाँ पर 198 बचा तो इसको 891 ऐसा करके उसको जब भी जोड़ोगे आप, ये 1089 ही नहीं आएगा, मतलब ये बढ़िया ट्रिक है भाई मैथमेटिक्स की। और यहाँ पर ये हाउ ओल्ड आर यू, इसमें आप व्यक्ति का महीना और उसका सन दोनों ही बता सकते हो, तो ये भी एक बढ़िया ट्रिक है, यहाँ पर भी एक मैथमेटिक्स की ही ट्रिक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक ट्रिक है। ये मैथमेटिक्स रिलेटेड ट्रिक देखने के लिए आप मेरे चैनल, एक एजुकेशन चैनल भी है, आप मेरे चैनल में अबाउट सेक्शन में जाएंगे ना तो वहाँ पर एक एजुकेशन चैनल का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड ट्रिक्स मिल जाएगी, वहाँ पर मैं नॉर्मली एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करता हूँ। यहाँ पर स्केपिंग मैच बॉक्स है, और यहाँ पर देखिए कैलकुलेटिंग वंडर है कुछ, ये ट्रिक है, तो ये सब मैथमेटिक्स बेस्ड ट्रिक है, आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। हाँ, ये 2 place 2 dice on 1 single dice, ये कुछ ट्रिक है, तो मैं ये देखता हूँ,
दोस्तों मैंने इसको ट्राई किया करने के लिए, ये देखिए यहाँ पर ये इसमें तो लिखा हुआ है कि एक डाइस के ऊपर ऐसा दो डाइस को आपको रखना है। तो सिंपल है, इसमें कहा है उन्होंने कि आपको जो है एक डाइस को मॉइस्चर कर देना है सीक्रेटली, जैसे इसको आपको मॉइस्चर कर देना है। और मॉइस्चर करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको रखना है मॉइस्चर करके, और फिर ये आसानी से जम जाएगा। तो अभी तो आप करके देख सकते हो, ये इसमें तो यही लिखा हुआ है, होगा कि नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। और बाकी प्रेडिक्शन वगैरह की ट्रिक हैं, ये देख सकते हो, मैजिकल सम विथ डाइस, करेक्ट नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ टू डाइस, और कुछ है नहीं इसमें। वैसे इतने ही सामान के साथ आपको ये ट्रिक वगैरह करनी है, बाकी सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह के जरिए आप जो है ट्रिक्स वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं तो इतना ही कर पाया, आई होप कि आप बुरा नहीं मानेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।